फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सेक्रेटरी ब्लिंकन का इस भव्य स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप दोनों ने जो गर्मजोशी भरे शब्द कहे, इसके लिए भी मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज एक बार फिर स्टेट डिपार्टमेंट में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी की बात है। पिछले तीन दिनों में मैंने अनेक बैठकों में हिस्सा लिया, कई विषयों पर चर्चा की। इन सभी बैठकों में एक चीज कॉमन थी, सब एकमत थे कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए। भारत और अमेरिका के संबंधों की मधुर गीतमाला पीपल टू पीपल टाइज के सुरों से पिरोई गई है। इन संबंधों का उदाहरण हमें कदम कदम पर देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माताजी डॉक्टर श्यामला गोपालन 1958 में भारत से अमेरिका आई थी। उस समय अधिकांश लोगों के पास फोन नहीं होता था और इसलिए उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी और उन्होंने कभी भी भारत से रत्ती भर नाता टूटने नहीं दिया था। एक जीवंतता बनाए रखी थी, जो भी उपलब्ध माध्यम था उसका सर्वाधिक उपयोग भारत को, उनके अमेरिका के जीवन को निरंतर जोड़ने में लगा रहा था। हजारों मीलों की दूरी के बावजूद भी भारत हमेशा उनके करीबी था। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, उनकी इस प्रेरणा को आपने आज नई बुलंदियों तक पहुंचाया है।